हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपनी जीमेल आईडी भूल गए हैं, आपने कोई जीमेल आईडी बनाई थी वह आप भूल गए हैं और उसका पासवर्ड भी भूल गए, यानी सब कुछ आप भूल गए हैं, तो उसको कैसे रिकवर करें। तो चलिए ऐप में चलते हैं, जीमेल ऐप में जहाँ से हम अपना जीमेल चलाते हैं वहीं से आपको यहाँ पर जीमेल ऐप पर क्लिक कर देना है। जब इस ऐप पे आपके मोबाइल में इनबिल्ट होगी, देखिए मैंने फिंगरप्रिंट लगा रखा है तो मैं फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ, ये मेरे मोबाइल में सिक्योर लॉक लगा रखा है इसलिए ये आ रहा है। अब देखिए आपकी जीमेल आईडी जितनी भी लॉगिन होंगी वो जब आप इस फोटो पर टॉप राइट में क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी मोबाइल में जीमेल आईडी ओपन होंगी वो सभी आपके सामने यहाँ आ जाएंगी। तो आप सबसे नीचे जाइए ऐड अनदर अकाउंट पर, यहाँ पर तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो आप भूल चुके हैं, तो आप अनदर अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ सबसे ऊपर आपको गूगल पे क्लिक कर देना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपने जिस मोबाइल नंबर से, देखिए ये मेरे मोबाइल का पिन कोड पूछ रहा है, यानी कि ये तो आपके मोबाइल में नहीं पूछेगा, वो मैंने लॉक लगा रखा है इसलिए पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए जब आप दो मिनट भी नहीं लगेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप फॉरगॉट ईमेल, यानी कि आप अपनी जीमेल आईडी ईमेल आईडी भूल चुके हैं किस नाम से थी, तो आप फॉरगॉट ईमेल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ आपको वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस मोबाइल नंबर से आपने ईमेल आईडी बनाई थी, यानी कि ईमेल बनाया था। तो मैं यहाँ पर वह नंबर एंटर कर देता हूँ, नंबर मोबाइल नंबर मैंने एंटर कर दिया। अब इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने पर यहाँ पर हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फर्स्ट नेम मैंने मान लीजिए, लास्ट नेम वो होता है जो लास्ट में लगाते हैं, बहुत से सिंह लगाते हैं, बहुत से कुमार लगाते हैं, जो भी आप लगाते हैं। तो मैं अपना नेम एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर, देखिए देखती हूँ। अब मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने पर यहाँ आप मैं दिखा रहा है नो अकाउंट फाउंड, यानी कि इस मोबाइल नंबर से इस नाम का कोई भी अकाउंट नहीं है। तो चलिए ट्राई अगेन करते हैं। अब मैं यहाँ पर अपना दूसरा नंबर एंटर करके देखता हूँ, मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ फिर से फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने अपना नाम एंट्री कर लिया है, नेक्स्ट कर देंगे। अब इस मोबाइल नंबर से जो भी ईमेल आईडी होंगी, तो अब देखिए ये बोल रहा है कि इस मोबाइल नंबर पर आपके लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो सेंड यस, मेरा मोबाइल नंबर है तो ये ओटीपी भेजेगा हमारे पास इस मोबाइल नंबर पर। तो अब देखिए दो मिनट भी नहीं लगेंगे आपके सामने आपकी जीमेल आईडी आ जाएगी, यानी कि इस नाम मोबाइल नंबर से आपकी जीमेल आईडी रिकवर हो जाएगी। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने पर इसका पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड भी भूल गए हैं तो पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करने पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, या तो आपके सामने इस जे जीमेल आईडी है आपकी कोई, और एक ये है जे आर से, एक देव से है। तो यानी कि किस ईमेल आईडी पर आप ओटीपी चाहते हो, यानी कि मैंने ये कर दिया इस पे मैं ओटीपी चाहता हूँ, तो इस ईमेल आईडी पर जो जे आर करके जो जीमेल आईडी है ये वाली, स्टार्टिंग में जे आर है @gmail.com, यानी मेरी आईडी है ये, ओपन है इस मोबाइल में, तो उस पर एक कोड आया होगा। उस कोड को देखने के लिए मैं दोबारा से जीमेल अकाउंट में जाऊँगा, इसका मैं लॉक खोलूँगा। यहाँ से ये जीमेल आईडी मेरी ओपन है जे आर वाली, तो देखिए गूगल वेरिफिकेशन कोड यहाँ आया है, तो गूगल वेरिफिकेशन कोड मेरा 913923 है। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से आप अपनी जीमेल आईडी को इजीली रिकवर कर सकते हैं। जो मेरे जीमेल आईडी पे कोड आया था उस कोड को आप वहाँ पर एंटर कर दीजिए, और उसके बाद आपके सामने न्यू पासवर्ड क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जब आप न्यू क्रिएट पासवर्ड कर देंगे तो आप जीमेल में जाकर आप अपने यहाँ से, या जीमेल या तो ऐप से ओपन कर लीजिए, या फिर आप गूगल में जीमेल जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसको ओपन कर देंगे तो आपके सामने एक नया पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा आपके जीमेल आईडी पे, यानी कि टू स्टेप वेरिफिकेशन जो होता है, जो आपका सेकेंडरी ईमेल होता है, वो मेरा ईमेल यही था जो ओपन है इस मोबाइल में, और उस मोबाइल में ये कोड आया था, उस कोड को डाल देंगे और नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी ये आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं, बाय बाय।